डेस में खेला गया और ये मैच ग्रुप डी के सिलसिले का है इसमें बांग्लादेश ने श्रीलंका को सिर्फ सिर्फ दो विकेटों से जी हाँ बड़ा क्लोज मैच छह गेंदे बाकी थी और दो विकेटों से शिकस्त थी कांटेदार मुकाबला लो स्कोरिंग मैचेस क्यों हो रहे की पिचेस जो है वो स्ट्रोक मेकिंग के लिए इतना आसान नहीं है तो आपको 125 130, इवन 77 पे आउट हुई श्रीलंका की टीम तो बड़े लो स्कोरिंग मैचेस नज़र आ रहे बैटिंग कोई इतनी आसान नहीं है और इस मैच में अगर मेन परफॉर्मर देखा जाए बांग्लादेश की जानब से तो आपको रहमान रिशद और तोहद रिद्रॉय की बैटिंग साथ साथ रिटिन दास की भी बड़ी अच्छी नजर आएगी तो ये मेन कंट्रीब्यूटर है इस विक्ट्री में इस टूर्नामेंट में अब तक देखा जा रहा है कि टॉस बड़ा वाइटल है और जो टीम टॉस जीत रही है वो चेस करने जा रही है इस मैच में, में भी बांग्लादेश के कैप्टन नजमुल हसन शांतो ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बैटिंग की दावत दी और हमने देखा कि श्रीलंका का आगाज़ जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है दो शारे तीन ओवर में 21 के स्कोर पे उनकी पहली विकेट गिर जाती है और आउट होने वाले बैट्समैन हैं कुशाल मैंडस जिन्होंने आठ गेंदों पे दो चौकों की मदद से दस रन बनाए लेकिन इनको क्लीन बोल्ड कर दिया तस्कीन अहमद ने दूसरी विकेट अड़तालीस के स्कोर पर कमिंडू मैंडस आउट होते हैं और जब इनका स्कोर अड़तालीस है छठे ओवर की पहली बॉल पावर प्ले का आखिरी ओवर और कमिंडू मैंडस सिर्फ चार रन बना के आउट हुए बाय तंजीम हसन बोल्ड बाय मुस्तफीज़ुर रहमान तीसरी विकेट सत्तर के स्कोर पे पथुन निशान का इनके ओपनिंग बैट्समैन सैंतालीस रन की एक अच्छी इनिंग खेल चुके थे अट्ठाईस गेंदों का सामना किया सात चौके और एक छक्का इनकी इनिंग में शामिल था एक सौ अड़सठ का स्ट्राइक रेट था लेकिन जब इनकी टीम का टोटल नौवें ओवर में सत्तर पे पहुंचा तब पथुन निशान का सैंतालीस रन बना के आउट हुए इनका कैच पकड़ा नजमुल हसन शांतो ने और बॉलर थे रहमान सौ के स्कोर पर इनकी चौथी विकेट गिरती है और पंद्रहवें ओवर की पहली बॉल पर चरित असालका आउट होते हैं उन्नीस रन बनाए इक्कीस गेंदों पर एक छक्के की मदद से इनका कैद पकड़ा शकीबुल हसन ने और बॉलर थे रिशद हुसैन और उसके बाद से पाँचवें विकेट सौ के स्कोर पे बैक टू बैक दो विकटें गिरती है चौथी और पाँचवीं विकेट दोनों सौ के स्कोर पे लेकिन पाँचवीं विकेट वन इंदु हसारांगा की है और वन इंदू हसारंगा जो कि श्रीलंका के कैप्टन भी हैं और इनको रिशद हुसैन बैक टू बैक दो विकटें हासिल की हैट्रिक पे आए और लेकिन हैट्रिक ना मुकम्मल कर सके तो वनंदू हसारंगा सिफर पर आउट हुए कॉट बाय सोमिया सरकार ऑफ द बॉलिंग ऑफ रिशद हुसैन छठी विकेट 109 के स्कोर पे नौ रन के इजाफे के बाद धनंजा डिसल्वा 21 रन की इनिंग खेलने के बाद आउट हो गए गे। 26 गेंदों का सामना किया एक चौका इनकी इनिंग में शामिल है इनको स्टम्प किया लिटन दास ने और बॉलर थे रिशद हुसैन सातवीं विकेट श्रीलंका के सबक कैप्टन दासुन शनाका अठारहवें और के आखिरी बॉल पर आउट होते हैं जब इनकी टीम का टोटल है एक ने सिर्फ तीन बनाएंगी विकेट, विकेट एक सौ सत्रह मजीद दो रन के इजाफे के बाद तंजीम ऑफ द बोलिंग ऑफ मुस्तफीजुर नौवीं विकेट जो है एक सौ तेईस के स्कोर पर गिरती है श्रीलंका के मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर एंजलो मैथ्यू सोलह रन बनाए और इन्होंने उन्नीस गेंदों का सामना किया एक चौका इनकी इनिंग में शामिल कैच इनका रहमान ने पकड़ा और बॉलर थे तंजीम हसन साकिब एंड में मथीशा पथिराना और नुवान तुषारा दोनों सेफ़र पर नॉट आउट है तो इनकी टीम मुखारा बीस ओवस में छः अशारिया दो सफ़र के औसत थे नौ विकटों के नुकसान पर एक छोटा टोटल सिर्फ एक सौ चौबीस रन बना सकी सिर्फ दो छक्के इनकी इनिंग में शामिल है और चौके अगर देखे जाए तो सिर्फ बारह चौके बारह चौके और दो छक्के टी ट्वेंटी क्रिकेट में बहुत थोड़ी यही वजह है कि इनकी टीम सिर्फ एक सौ चौबीस रन बना के आउट होगी बांग्लादेश की अगर बॉलिंग देखी जाए तो तंजीम हसन साकिब चार ओवर में चौबीस रन देकर एक विकेट हासिल की छे की इकॉनमी चौदह डॉट बॉल्स की और बहुत अच्छी बॉलिंग शकीबुल हसन महंगे हैं तीन ओवर में तीस रन दिए कोई विकेट हासिल की दस की इकॉनमी से चार चौके इनकी बॉल पे भी लगे तस्कीन अहमद चार ओवर में पच्चीस रन दिए और दो विकटें हासिल की छः अशारिया दो पांच के औसत से रन दिए बारह डॉट बॉल्स की तीन चौके इनकी बॉल पे लगे रहमान मुस्तफीजुरहमानतहाई इकोनॉमिकल चार ओवर में सिर्फ सत्रह रन दिए और तीन विकटें हासिल की चार अशारिया दो पांच के औसत से रन दिए चार ओवर यानी चौबीस में से चौदह गेंदे इन्होंने डॉट बॉल की और इनकी बॉलिंग पे सिर्फ दो चौके लग सके फिर रिशद हुसैन ये भी इतना ही कामयाब चार ओवर में बाईस रन दिए और तीन विकटें हासिल की इन दोनों ने आठ ओवर में उनतालीस रन देकर छह विकटें हासिल की रोल आपको नजर आए मुस्तफीज रहमान जो कि फास्ट बॉलर है और रिशद हुसैन स्पिनर फिर महमूदुल्ला ने भी एक ही ओवर करवाया और एक ओवर में चार रन दिए बांग्लादेश जिसको 125 सौ रन का टारगेट मिला उनका आगाज देखा जाए तो कोई अच्छा नहीं इनके ओपनिंग बैट्समैन सोमिया सरकार बगैर कोई रन बनाए जब इनकी टीम का टोटल एक है तीसरी गेंद पर आउट होकर वापस पवेलियन कॉट बाय बा ऑफ द बॉलिंग ऑफ डिस दूसरी विकेट छः के स्कोर पे जनाब छः पे दूसरी विकेट गिर जाती है दूसरे ही ओवर में तंजीद हसन दूसरे कैप्टन जो है वो तीन रन बनाए इनको बोल कर दिया तुषारा ने तीसरी विकेट अट्ठाईस के स्कोर पे नजमुल हसन चांतो कैप्टन आउट होते हैं सात रन बनाने के बाद छठे ओवर की दूसरी बॉल पे इनका कैच पकड़ा हसर लांका ने बॉलर थे तुषारा चौथी विकेट इक्यानवे के स्कोर पे तोहद रिद्रॉय बारहवें ओवर की चौथी बॉल पे आउट होते हैं और इन्होंने चालीस रन बनाए इनको एल आउट किया हसरानका ने लेकिन सिर्फ बीस गेंदों पे चार छक्कों और एक चौके की मदद से 200 के स्ट्राइक रेट के साथ मैच विनिंग 40 रन की इन्होंने इनिंग खेली और फिर पांच विकेट लेटनडास निन्नावे के स्कोर पे आउट होते हैं जब इनकी टीम का टोटल निन्यानवे तो तौहिद रिद्रॉय के बाद दूसरे नुमायाँ स्कोर लेटनडास इन्होंने 38 गेंदों पे 36 रन बनाए जिसमें दो चौके और एक छक्का शामिल था 94 इनका स्ट्राइक रेट था इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया वनेंदु हसरंगा ने और छठी विकेट 109 के स्कोर पे शकीबुल हसन मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन 88 के स्कोर पे आउट होते हैं और कैच पकड़ा टिक्शाना ने बॉलर थे पतिराना सातवीं विकेट 113 के स्कोर पे 18वें ओवर की तीसरी बॉल पे रिशद हुसैन एक रन बनाया इनको बोल्ड कर दिया तुषारा ने और आठवीं विकेट 113 के स्कोर पे तस्कीन अहमद सिफर पे इनको एल बी डब्ल्यू आउट कर दिया तुषारा ने तो यहाँ तुषारा ने भी दो बैक टू बैक विकेट हासिल की लेकिन हमने देखा कि 113 से फिर 125 तक का सफर मजीद 12 रन जो हैं जिसमें महमूदुल्ला ने तेरह गेंदों पर सोलह रन बनाए और एक क्रूशुल छक्का भी लगाया और साथ साथ तंजीम हसन साकिब ने इनका साथ दिया चार गेंदों पर एक रन बनाया तो बांग्लादेश ने मतूबा हदफ़ नीस ओवर में छह अश्यारिया पांच सात की औसत से आठ विकटों के नुकसान पर पूरा करके मैच दो विकटों से जीता और अभी छः गेंदों का खेल बाकी था तो इस तरह इन्होंने दो पॉइंट भी हासिल किए और साथ साथ मैच भी जीत लिया बॉलिंग देखी जाए श्रीलंका की धनंजाय डिसवा दो ओवर में ग्यारह रन देकर एक विकेट हासिल की नुवान तुषारा बहुत अच्छी बॉलिंग चार ओवर में अट्ठारह रन देकर चार विकेटें हासिल की फोर इनकी इकॉनमी और इनके चार ओवर में चौदह डॉट पॉल शामिल हैं महेश चार ओवर में पच्चीस रन दिए कोई विकेट हासिल की छह अशारिया दो पांच के औसत से रन दिए वनिन्दू हसारंगा चार ओवर में बत्तीस रन दिए और दो विकेट हासिल की मतीशा पथिराना चार ओवर में सत्ताईस रन देकर एक विकेट हासिल की जबकि दासुन चनाका ने एक ओवर करवाया और एक ओवर में ग्यारह रन दिए दोनों इनिंग की पेस देखी जाए तो श्रीलंका ने पहले छः ओवर में तिरपन रन बनाए दो विकेटों के नुकसान पर आगाज़ अच्छा है इनके मुकाबले में बांग्लादेश ने छः ओवर में सिर्फ चौंतीस रन बनाए थे और उनके तीन खिलाड़ी आउट हो गए थे श्रीलंका ने अपने पचास रन पाँच अशारिया तीन ओवर में मुकम्मल किए जबकि बांग्लादेश ने अपने पचास रन आठ अशारिया एक ओवर में मुकम्मल हाफ एमार्क दस ओवर के अख्ताम पर श्रीलंका का स्कोर था चौहत्तर तीन विकटों के नुकसान पर इनके मुकाबले में बांग्लादेश का स्कोर था चौंसठ तीन विकटों के नुकसान पर दस रन कम बनाए थे तो थोड़ा पीछे था बांग्लादेश फिर उसके बाद से चौथी विकेट की पार्टनरशिप हुई जिसमें पचास रन बने बांग्लादेश वापस आया लेकिन ये पचास रन पैंतीस गेंदों पर जिसमें लिटन डास ने अट्ठारह और तोहहीद रिजवाय ने अट्ठाइस रन बनाए फिर उसके बाद से देखा जाए तो सौ रन का हदफ आता है श्रीलंका ने अपने सौ रन चौदह ओवर में मुकम्मल किए और बांग्लादेश ने अपने सौ रन चौदह इशारिया दो ओवर में मुकम्मल किए नेक टू नेक दोनों टीमें बिल्कुल बराबर जा रही हैं कोई भी टीम ये मैच जीत सकती है लेकिन नर्व्स पे कंट्रोल करते हुए बांग्लादेश की टीम ने मुक्र हदफ जो है वो आठ विकटों के नुकसान पर उन्नीसवें ओवर में मुकम्मल किया और इस तरह मैच में दो विकटों से कामयाबी हासिल की और इनके रिशद हुसैन जिन्होंने बाईस रन देकर तीन विकटें हासिल की को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया तो जनाब बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की है और देखा जाए तो बांग्लादेश ग्रुप डी में है और तीसरी पोजीशन है पॉइंट टेबल पे बांग्लादेश की और जिसने एक मैच खेला एक जीता दो पॉइंट है नेट रेट पॉइंट थ्री सेवन है पहले नंबर पे साउथ अफ्रीका की टीम है जिसने एक मैच खेला एक जीता दो पॉइंट लेकिन उनका नेट ट्रेंड रेट वन पॉइंट जीरो फोर नेदरलैंड दूसरे नंबर पे है उसने भी एक मैच खेला एक जीता दो पॉइंट और उनका नेट ट्रेंड रेट है पॉइंट फाइव थ्री इस ग्रुप में चौथे नंबर पे नेपाल की टीम है जिसने एक मैच खेला उसे शिकस्त हुई और श्रीलंका बॉटम ऑफ द पॉइंट टेबल दो मैच खेले और दोनों में शिकस्त हुई और इनका नेट ट्रेंड रेट है माइनस पॉइंट सेवन सेवन रिमेंबर हर ग्रुप से पहले दो नंबर की टीमें है जो हैं वो सुपर एट में रेलवे यानी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर पाएंगी इस नोट पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं इजाजत दीजिए Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.